घोसी उपचुनाव में नामांकन के दौरान विवाद, सपा प्रत्याशी के बेटे और पुलिस में हाई वोल्टेज हंगामा। विवाद के बाद सपा प्रत्याशी के बेटे ने किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म है। सपा विधायक के इस्तीफे के बाद घोषित चुनाव में भाजपा और सपा की ओर से आजमाइश चल रही थी। इस बीच नामांकन के दिन सपा प्रत्याशी के समर्थकों और पुलिस में विवाद हो गया। आपको बता दें कि गुरुवार को सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह अपना नामांकन दाखिल करने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इसी दौरान सपा कार्यकर्ताओं का पुलिस से विवाद हो गया। आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह ने पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए बताया कि यहां एक इंस्पेक्टर महोदय हैं, उन्होंने 60 साल के हमारे जिलाध्यक्ष को अंदर जाने से रोका और धक्का दे दिया, जिसके बाद हम लोगों ने बस यही कहा कि आप 5 लोगों को तो जाने दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस बदतमीजी करती रही। सपा प्रत्याशी के बेटे ने कहा, बदतमीजी का जवाब घोसी की जनता देगी। आने वाले चुनाव में इन्हें इतने वोटों से हराएगी कि वह शर्मसार हो जाएंगे। भाई, पुलिस के अनुसार नामांकन के लिए केवल 5 लोगों की कक्ष के अंदर जाने की अनुमति थी, लेकिन 5 से ज्यादा सपा कार्यकर्ता अंदर जाना चाहते थे। हमने नहीं जाने दिया, हम लोगों को सिर्फ 5 आदमी का आदेश है। वो करीब 8 आदमी अंदर जाना चाहते थे, जिसके चलते सपा कार्यकर्ता पुलिस से बहस पर उतर आए। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव के परिणाम का उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टियों के संख्या बल पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भाजपा अगले लोकसभा चुनाव से पहले गैर यादव अन्य पिछड़े वर्गों के बीच अपनी लोकप्रियता साबित करने के लिए घोसी सीट को सपा से छीनने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। साथ ये चुनाव से तय कर देगा कि 2022 में घोसी सीट पर दारा सिंह चौहान अपने दम पर विधायक बने थे या सपा के वोट बैंक के सहारे। अगर भाजपा जीतती है तो ये तय हो जाएगा कि चौहान वोटर अपनी बिरादरी के नेता के साथ शिफ्ट होता है, और अगर सपा चुनाव जीतती है तो तय हो जाएगा कि पूर्वांचल में सपा 2024 में भी मजबूती से लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।